हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर फिजिक्स क्लास एंड आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एनर्जी, जो कि हमने लास्ट क्लास में जो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब चैप्टर नंबर 8 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कंप्लीट, ठीक है, और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल इसके स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के। तो चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, बुक ओपन कर लिएगा, ठीक है, और पेज नंबर 132 ओपन कर लें, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, तो पेज नंबर 132 न्यूमेरिकल 8.1 हम फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देख लीजिएगा कि इन न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो मैंने यहाँ पे सामने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो फार्मूलाज हैं जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है बेटे, तो ये वो फार्मूलाज हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, पहले जो है जो पूरे चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी के जो जो टॉपिक्स पढ़े तो उनमें ये फार्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का एक और फार्मूला अगर बिटवीन मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल फॉर्म हो रहा हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ एस कॉस थीटा। पावर का फार्मूला एफ इनटू वी। पावर का एक फार्मूला और पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। ये फॉर्मूलाज जो हैं वो हम इन न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे, जो कि यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में फॉर्मूला, जो कि आज की क्लास में हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं 8.1। बुक्स ओपन कर लिएगा और पेज नंबर 132, ठीक है, बुक ओपन कर लें पेज नंबर 132। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज़ डन। ठीक है, हाउ मच वर्क इज़ डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कह दिया कि हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना वर्क हो रहा है फाइंड करें, और कह रहा है कि टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी ऑफ 40 मीटर। तो और आगे क्या कह रहा है, बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक बॉडी पे 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 40 मीटर का। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 200 न्यूटन की जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 40 मीटर का, तो अब वर्क कितना हो रहा है, वर्क फाइंड करके बताएं। जबकि आगे क्या कह रहा है, हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री का। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 30 डिग्री के एंगल से, ठीक है, उससे बॉडी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, 40 मीटर का बॉडी ने हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फाइंड करके बताएं वर्क कितना है। ठीक है बेटे, तो ज़रा देखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं इसके डाटा और सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन और डाटा से पहले, ठीक है, कंडीशन इसकी देख लेते हैं कि भाई एक बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है, इस पर जो है वो फोर्स लगी कितनी, 200 न्यूटन की फोर्स लगी। ठीक है, तो इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है भाई, 200 न्यूटन की फोर्स लगी जिसकी वजह से बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 40 मीटर का, बॉडी ने 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कवर किया। तो जो फोर्स लग रही है वो 30 डिग्री के एंगल पे लग रही है, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे, फोर्स अप्लाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री का एंगल बना रही है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल है 30 डिग्री का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल है 30 डिग्री का। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई अगर 30 डिग्री के एंगल पे 200 न्यूटन की फोर्स लगती है और बॉडी 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो ये बताएं वर्क कितना है। ठीक है, तो वर्क आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करके बताना है। आई होप न्यूमेरिकल की कंडीशन समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम इसके डाटा की तरफ। ठीक है, डाटा बनाने जा रहे हैं। डाटा में सबसे पहले वो चीज़ें हम लिखेंगे जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और एंगल। ठीक है बेटा, फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 40 मीटर का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल है वो एंगल कितना है, 30 डिग्री का। अब ये बताएं वर्क कितना है, वर्क फाइंड करके बताएं। तो डाटा कंप्लीट कर लिया, आई होप डाटा में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। डाटा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। डाटा कंप्लीट करने के बाद अब हम हेडिंग डाल लें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की हमने हेडिंग डाल दी है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, वर्क फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, तो वर्क फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है सॉल्यूशन के हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर वर्क इक्वल्स टू ग्रिड समअप, ठीक है। अब वर्क फाइंड करने के लिए आपके पास वर्क के दो फार्मूला सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। W इक्वल्स टू एफ एस फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। इनमें से कोई एक फार्मूला यूज होगा, और हमने क्या सीखा था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। ऊपर देखें आप सेकेंड वाला फार्मूला यहाँ पे, कि वैन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो, उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो, तो वर्क के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा है बेटा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, ज़रा देख लीजिएगा। वर्क इक्वल्स टू एफ की जगह एफ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है बेटा 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है 40, और कॉस एंगल की जगह थीटा की जगह कॉस एंगल की जगह 30, ठीक है भाई। W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू 200 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 200 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आंसर 8000, ठीक है। और कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0.866। ये टेबल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चैप्टर 5 में याद हमने कर ली थी, ठीक है। तो 0.866 को अब 8000 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करा 200 को 40 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कॉस 30 की वैल्यू लिख दी। अब 8000 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे 6928, और यूनिट क्या है बेटा जूल वर्क का, ठीक है। ये आपने वर्क फाइंड कर लिया, ठीक है भाई। और यूनिट हमने यूज़ किया वर्क का, कौन सा यूनिट है बेटा, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, ठीक है भाई। तो आई होप इस न्यूमेरिकल में यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। लास्ट स्टेप देख लेते हैं कि भाई हमने क्या करा कि 8000 200 को 40 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8000, और 8000 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0.866 से, तो आंसर आ जाएगा 6928 जूल, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आके आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट, ठीक है। एंड अब हम चलेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, और सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास कौन सा है 8.2, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लें कॉपी, फिर हम चलते हैं 8.2 की तरफ। इसको कॉपी करके एंड में इसका रिजल्ट लिखना चाहें तो इसका रिजल्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। द वर्क डन बाय अ बॉडी, ठीक है, इज 6928 जूल। द वर्क डन बाय अ बॉडी इज 6928 जूल, ठीक है भाई। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ पे आंसर आ गया 6928 जूल, ठीक है। इसको कॉपी करें, कॉपी करते हैं जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं कॉपी करने के बाद 8.2 नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.2 जरा देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन डेट पुल 1000 kg ऑटोमोबाइल एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 m/s अलॉन्ग अ लेवल रोड, ठीक है बेटे। तो एक लेवल रोड है, इस पे एक ऑटोमोबाइल जो है कोई भी व्हीकल सपोज कर लें कोई कार या कोई ट्रक मूव कर रहा है, जिसका मास कितना है बेटा 1000 kg, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कह रहा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इंजन डेट पुल्स अ 1000 kg ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो जो भी कार या कोई भी ट्रक अगर एक लेवल रोड पे मूव कर रहा है तो उसका इंजन कितनी पावर लगा रहा है, वो स्टार्टिंग में बोल दिया। फाइंड द व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इंजन, ठीक है, कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ इंजन उस ऑटोमोबाइल की, उस ऑटोमोबाइल कार या ट्रक जो भी है उसके इंजन की पावर कितनी है वो आप यहाँ पे फाइंड करके बताएं, ठीक है। वो क्या कर रहा है इंजन, वो 1000 kg जो ऑटोमोबाइल है, वो 1000 kg की कार या 1000 kg का जो ट्रक है, जब वो मूव कर रहा है तो इंजन कितनी उस पर पावर लगा रहा है, वो पावर आपने फाइंड करके बतानी है, जबकि बताया जा रहा है कि वो ट्रक या वो व्हीकल 10 m/s की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, अलोंग अ लेवल रोड, एक लेवल रोड है उस पर एक कार, ठीक है, कोई भी ट्रक जो आप ये सपोज कर लें वो बॉडी मूव करते हुए जा रही है, एक व्हीकल मूव कर रही है, एक ऑटोमोबाइल मूव कर रही है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से 10 m/s की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और उसका मास कितना है 1000 kg। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1000 kg है 10 m/s की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये बता दें कि उस ऑटोमोबाइल का जो इंजन है कितनी पावर लगा रहा है, ठीक है, वो पावर यहाँ पे आपने फाइंड करके बतानी है, ठीक है बेटे। तो न्यूमेरिकल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे डाटा 8.2 पेज नंबर 132, ठीक है। डायग्राम देख लीजिएगा,
सपोज कर लें एक कार है, ठीक है, मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास कितना है, 1000 kg। अब ये बोला जा रहा है कि इसका इंजन, ठीक है, मतलब अगर एक कार 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक लेवल रोड पे मूव कर रही है जिसका मास 1000 kg है, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए हम यहाँ पे जो है वो कोई भी व्हीकल ले सकते हैं, हमने यहाँ पे कार अज्यूम कर लिया, ठीक है, हम ट्रक अज्यूम कर सकते हैं, मास जिसका 1000 kg है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, ये ऑटोमोबाइल मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका इंजन इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितनी पार लगा रहा होगा, वो यहाँ पे पार आपने फाइंड करके बतानी है, ठीक है बेटे। तो अब चलते हैं इसके डाटा की तरफ, फिर इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो डाटा देखिएगा, डाटा में आपके पास मास गिवन है 1000 kg, ठीक है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और पार आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो डाटा बनाने के बाद अब हम यहीं डालेंगे सॉल्यूशन की, और जो फाइंड करना है लिख देंगे फॉर पार इक्वल्स टू क्विस्टम मास। ठीक है, पार का एक फॉर्मूला पी इक्वल्स टू एफ इंटू वी, ये फार्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला पार का और पड़ा है, वो क्या है कि भाई पी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें, देखें टाइम तो है नहीं हमारे पास, सही है, तो ये लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा है तो यूज़ नहीं कर सकते, हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमें भी पता है यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एक ट्रक लेवल रोड पे स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो जो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होती है तो उसकी स्पीड क्या कहलाती है बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है ऑटोमोबाइल की, तो इस वजह से पार के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पी इक्वल्स टू एफ इन टू वी, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे फोर्स तो पता नहीं है हमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास पता है, वेलोसिटी पता है, फोर्स नहीं पता। जब फोर्स नहीं पता तो कोई बात नहीं, फोर्स हम फाइंड कर लेंगे। अब फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यह बताएंगे कि भाई फोर्स बराबर है एक्चुअली वेट के, और वेट बराबर है यहाँ पे किसके, एमजी के, ठीक है। फोर्स जो है वो एक्चुअली क्या है कि कार का जो, कार के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है, वो फोर्स बराबर है एक्चुअली वेट के, और वेट बराबर है किसके, एमजी के, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ले लेंगे कि भाई फोर्स बराबर है किसके, डायरेक्ट एमजी के। तो एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एफ इक्वल्स टू एमजी, ठीक है, फोर्स बराबर है वेट के कार के, और वेट बराबर बेटा एमजी के। तो मास कितना है, एमजी, जी बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8। मास यहाँ पे कितना है, 1000, और जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9.8। तो 1000 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9800, और यूनिट क्या है बेटा, फोर्स का न्यूटन। ये आपने फोर्स फाइंड कर ली, और फोर्स आ गई आपके पास 9800 न्यूटन। तो 1000 को 98 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 9800 न्यूटन। फोर्स आपने फाइंड कर ली, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स आपके पास आ चुकी है 9800 न्यूटन की, और स्पीड वेलोसिटी आपको पता है यहाँ पे कितनी है बेटा, 10। 9800 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पार आ जाएगी 98000, और पार का यूनिट क्या होता है बेटा, वॉट। तो आपने यहाँ पे पावर फाइंड कर ली उस ऑटोमोबाइल की जिसका मास जो है वो बेटा कितना है, 1000 kg, और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 1000 केजी का जो ऑटोमोबाइल है उसको मूव कराने के लिए इंजन को कितनी पावर लगानी पड़ेगी, वो आपने फाइंड कर ली, 98000 वाट, इतनी पावर इंजन को लगानी होगी। ठीक है बेटे, ये रफ वर्क ही नहीं है, ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, आपने साइड में कैलकुलेशन करके दिखाई, ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, आपने इसके साथ ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। ठीक है, एंड में इसका रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो रिजल्ट के एंड डाल के रिजल्ट लिख लीजिएगा, द पावर ऑफ एन इंजन इज 98000 वॉट। ठीक है, द पावर ऑफ एन इंजन इज 98000 वॉट। ठीक है बेटे, रिजल्ट इसका लिख लीजिएगा, इसको कॉपी करें, इसका रिजल्ट लिखें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास पार का ही न्यूमेरिकल है 8.3। ठीक है बेटे, तो इसको कॉपी करें, फिर हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल
8.3। ठीक है बेटे, जल्दी से इसको कॉपी करें। 8.3 पे हमारे आ चुके हैं, 8.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अब 8.3 पे। 8.3 में कह रहा है कि विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन 1960 वॉट मोटर रेज अ मास ऑफ 100 केजी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ यही कंडीशन है। ठीक है, 8.2 जैसी कंडीशन है कि एक मोटर है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। सपोज करें हम एक मोटर कार है, ठीक है, जो मूव कर रही है, तो उसका इंजन पावर कितनी लगा रहा है, 1960 वॉट की। ठीक है, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो वेलोसिटी आपने यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। जबकि उस मोटर का मास दे दिया, उस मोटर कार का मास दे दिया, हम कार एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कितना है बेटा मास, 100 केजी। तो एक मोटर जो कि मूव कर रही है, उसका इंजन जो पार लगा रहा है, वो पार कितनी है बेटा, 1960 वॉट की। और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करके बतानी है। ठीक है, जबकि उस मोटर का मास कितना है, 100 केजी। हम उसको एज्यूम कर लेते हैं मोटर कार है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई एक मोटर कार है जो कि मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो एक मोटर कार मूव कर रही है जिसका मास जो है वो कितना है बेटा, 100 केजी है, और इसका इंजन जो पावर लगा रहा है, वो पावर कितनी है बेटा, 1960 वॉट। तो कितनी वेलोसिटी से ये मोटर कार मूव करेगी, ये वेलोसिटी आपने क्या करना है, फाइंड करके बतानी है। ठीक है बेटे, चलते हैं इसके डाटा की तरफ, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। डाटा में जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है भाई, मास गिवन है 100 केजी। ठीक है, पावर गिवन है 1960 वॉट। ठीक है, और वेलोसिटी फाइंड करके बतानी है। डाटा ये हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ यही कंडीशन है जैसे 8.2 में हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे देखें, वेलोसिटी और मास गिवन था, पावर फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, पावर और मास दे दिया, वेलोसिटी फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है, बस वहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है 8.3 में, यहाँ पे आपने पावर फाइंड करनी थी, वहाँ पे पावर 8.3 में गिवन है। ठीक है भाई, डाटा के बाद सॉल्यूशन क्या डाल दिएगा, और सॉल्यूशन क्या डालने के बाद जो हमने फाइंड करना है वो लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि पावर गिवन है, इस वजह से पावर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। पी इक्वल्स टू एफ डॉट वी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो एफ मल्टीप्लाई और एनी चाहिए, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, पी अपॉन एफ इक्वल्स टू वी, और करके पलट के लिख दें कि भाई वी इक्वल्स टू पी अपॉन एफ। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बना लिया वेलोसिटी का। अब इसमें देखें, पावर तो आप लोगों को पता है, ठीक है, 1960। फोर्स पता है, नहीं पता। तो जिस तरह से यहाँ पे 8.2 में फोर्स फाइंड की थी, बिल्कुल उसी तरह से हम 8.3 में भी फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स क्या है कि भाई बॉडी के सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है, वो बॉडी का वेट है, वो बराबर है किसके बेटा, एम जी के। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फोर्स फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर एफ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फोर्स के लिए फॉर्मूला बना देंगे कि भाई फोर्स बराबर है वेट के, और वेट बराबर है यहाँ पे एम जी के। ठीक है, तो ज़रा देख लीजिएगा कि एफ इक्वल्स टू एम जी, डायरेक्ट फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया एम जी। तो एफ इक्वल्स टू मास कितना है बेटा, 100, और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। मास कितना है, 100, और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 980 न्यूटन। तो फोर्स आपने फाइंड कर ली 980 न्यूटन। ठीक है, तो एक कार जो मूव कर रही है उसकी फोर्स यहाँ पे कितनी है बेटा, 980 न्यूटन। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, पावर आपके पास कितनी है, 1960। ठीक है, और फोर्स यहाँ पे कितनी है बेटा, 980। ठीक है,
कैलकुलेटर निकालें, 1960 को 980 से डिवाइड करें, आंसर बताएं। और जब 1960 को 980 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली उस मोटर की, उस मोटर कार की जो जिसका इंजन पार लगा रहा है 1960 वॉट, जो कि मूव कर रही है, ठीक है, और किस वेलोसिटी से बेटा, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मास कितना है इसका, 100 kg। तो एक मोटर जिसका मास 100 kg है और उसका इंजन पार लगा रहा है 1960 वॉट की, इसको मूव कराने के लिए तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, आपने फाइंड करना था। और फाइंड करके आपने यहाँ पे बता दिया आंसर कि 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मोटर कार मूव कर रही है, ठीक है। इसको कॉपी करें जल्दी से, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट के एंड डाल के अपनी वर्डिंग में आपने जो है वो इसका रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार या द वेलोसिटी ऑफ द मोटर इज कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर इज 2 मीटर पर सेकंड, ये एंड में रिजल्ट लिख लिएगा। तो यहाँ तक आके हमने 3 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिए, 3 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए इस चैप्टर के। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, इसको कॉपी करें, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8.4 पे, ठीक है बेटे। न्यूमेरिकल नंबर 8.4 पे आ जाते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने न्यूमेरिकल कॉपी कर लिया होगा। 8.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ज़रा देखिएगा 8.4 में क्या कह रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg ऑन मोटर बाइक इज़ मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ हिज काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, तो एक लड़का है मोटर बाइक पे मूव कर रहा है जिसका मास कितना है बेटा, 50 kg। तो एक लड़के का मास 50 kg है, मूव कर रहा है एक मोटरसाइकिल पे, मोटर बाइक पे, कितनी वेलोसिटी से बेटा, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक लड़का जिसका मास 50 kg है वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और पूछा जा रहा है व्हाट इज़ हिज काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये आपने फाइंड करके बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल। तो जब बॉडी मतलब मोटर बाइक मूव कर रही है, तो मोटर बाइक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब उस लड़के की भी वेलोसिटी, क्योंकि वो भी मोशन में है, वो कितनी वेलोसिटी है उस लड़के की, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब उस बॉय की काइनेटिक एनर्जी क्या है वो आपने यहाँ पे फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो चलते हैं इसके डाटा की तरफ। आई होप न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक लड़का है जिसका मास जो है वो कितना है बेटा, 50 kg, वो ट्रैवल कर रहा है मोटर बाइक पे कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो आई होप डाटा में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है, और न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। तो आप इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में जो फाइंड करना है लिख देंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। वैसे हमने सामने लिखा हुआ भी है सारे फॉर्मूला जो कि हम यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv² 1/2 mv² के, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, मास कितना है 50, और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी बेटा 20 का स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे क्या करा, फॉर्मूले में हमने अभी सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, ये 2 डिनोमिनेटर में, ये 50 न्यूमिनेटर में। तो 50 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो मतलब 2 1 2, 25 50, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यूज, तो यहाँ पे 2 1 2, 2 25 50, 25 1 25। तो न्यूमिनेटर में क्या बचा बेटा, यहाँ पे 25, और ये 20 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 400, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर हमने किया, ये आ गया स्क्वायर से 20 पे था 400, बाकी 2 1 2 25 50, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके यहाँ पे आ गया आंसर 25, और 20 का स्क्वायर आ गया आपके पास 400। अब 25 और 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जी भाई, 25 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 10,000, और यूनिट क्या बेटा, जूल। तो आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली
ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास कितनी, 10,000 जूल। ठीक है, तो आप लिख लेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय इज 10,000 जूल। ठीक है, एंड में रिजल्ट लिख लेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय इज 10,000 जूल। तो यहाँ पे यहाँ तक आके आपने 8.4 न्यूमेरिकल कर लिया सॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करें, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.5। ठीक है, अच्छा बेटा आई होप आप लोगों ने 8.4 कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, और 8.4 के बाद अब हम आ रहे हैं 8.5 पे। 8.5 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ ए 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। तो एक कार है जिसका वेट बेटा कितना है, 2000 न्यूटन। एक कार का वेट 2000 न्यूटन है, उसको 50 मीटर की हाइट पर लिफ्टर ने लिफ्ट किया। तो एक कार को 50 मीटर की हाइट पे उसको मूव कराते हुए ऊपर लेके गए हैं, 50 मीटर की हाइट पे उसको मूव करवाते हुए कार को लिफ्टर मूव कराते ऊपर लेके गया है। तो कार ने कितनी हाइट कवर की है, 50 मीटर की, और कार का वेट कितना गिवन है बेटा, 2000 न्यूटन का। अब पूछा जा रहा है जब बॉडी मूव करते हुए, कार मूव करते हुए ऊपर गई, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी आपने यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। बहुत सिंपल आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, एक कार की जिसका वेट 2000 न्यूटन है और उसको 50 मीटर की हाइट पे लिफ्टर मूव कराते हुए ऊपर लेके गया है। तो हाइट गिवन है 50 मीटर, कार का वेट 2000 न्यूटन। अब हम जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब इसका हम बनाते हैं डाटा। देखिएगा, कार का जो वेट है वो 2000 न्यूटन है और हाइट जो है इसने कवर की है कार ने कितनी बेटा, 50 मीटर की, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डाटा ये हो आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हैंड डाल दी गई बेटा सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन के हैंड डालने के बाद जो फाइंड करना है हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या फाइंड करना है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MgH। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MgH। लेकिन यहाँ पे तो वेट गिवन है, तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे कि वेट किसके बराबर होता है, Mg के। वेट बराबर होता है Mg के, तो इसका मतलब फॉर्मूले में जो Mg आ रहा है, Mg की जगह क्या आ जाएगा, वेट। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा Mg की जगह क्या आ गया, W, वेट। तो Mg की जगह आ गया W, वेट, और H एज इट इज। तो PE इक्वल्स टू वेट यहाँ पे गिवन है कितना है बेटा, 2000, और हाइट यहाँ पे कितनी है, 50। तो 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करें, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर निकालें और मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 100,000, और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने 2000 को 50 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया बेटा 100,000, और यूनिट हमने पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूज़ किया बेटा, जूल। तो हमने कार की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। अगर एक कार जिसका वेट 2000 न्यूटन है और 50 मीटर की हाइट पे उसको लिफ्ट किया है लिफ्टर ने, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी, 100,000 जूल की। ठीक है भाई, तो 8.5 आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से कॉपी करें। तो 8.5 के बाद हम चलते हैं 8.6 पे। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 8.6 अच्छा बेटा आई होप 8.5 आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो 8.5 के बाद अब आते हैं 8.6 पे। तो 8.6 ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है। अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुश किया है 5 मीटर
उसने डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर तक पुश किया, 5 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक बॉक्स ने, और कितनी फोर्स लगी है उस पर बेटा 200 न्यूटन की। पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन दी बॉक्स, तो बॉक्स पे कितना वर्क हुआ है, बॉक्स ने कितना वर्क किया है, वर्क आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। क्या कह रहा है दोबारा से, मैं रिकल पढ़ रहा हूँ, बॉक्स इज पुश्ड बाय 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस, ठीक है, अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो लेवल सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी है 200 न्यूटन की, जिसकी वजह से उस बॉक्स ने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। तो ये बताएं कि कितना वर्क हो रहा है, वर्क फाइंड करके बताना है। बहुत ही सिंपल आसान सा न्यूमेरिकल है, कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई, एक बॉडी मूव करते हुए जा रही है, एक बॉक्स मूव कर रहा है जिसको पुश किया है, ठीक है, 5 मीटर तक, और 200 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी है लेवल रोड पे। तो अब ये बताएं, ठीक है, एक लेवल सरफेस पे फोर्स लगी है हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो वर्क कितना हो रहा है, वर्क फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी बेटा, 8.6 की लेवल सरफेस है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, जिस पे फोर्स लगी है 200 न्यूटन की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जिसकी वजह से इस बॉक्स ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो अब पूछा जा रहा है कि यहां पे वर्क कितना हो रहा है, वर्क फाइंड करके बताएं, ठीक है। वर्क फाइंड करके बताना है, सिंपल बेटा कंडीशन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। आप ये कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर का ये जो 8 न्यूमेरिकल है उनमें सबसे आसान न्यूमेरिकल है। फोर्स कितनी है 200 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है बेटा 5 मीटर का, वर्क फाइंड करने, ठीक है, सॉल्यूशन की हाइंड डालेंगे और जो फाइंड करना है बेटा लिख लेंगे, फॉर वर्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और वर्क के लिए फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, वर्क के दो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एक एंगल के लिए, अगर एंगल गिवन होगा तब कौन सा फॉर्मूला है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला, जब एंगल नहीं है तो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, वर्क बराबर है बेटा एफ इन टू एस के, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, वर्क आ जाएगा, फोर्स कितनी है बेटा 200 न्यूटन की, तो फोर्स की जगह आ जाएगा 200, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बॉडी ने 5 मीटर का, ठीक है, तो एस की जगह एस की वैल्यू 5, फोर्स की जगह आपके पास आ गया 200, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा 1000 जूल। तो वर्क फाइंड कर लिया कि बॉक्स, अगर उस पर एक बॉक्स जो कि लेवल सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल 200 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो वो अगर 5 मीटर का डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो कितना वर्क होगा 1000 जूल का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा द वर्क डन बाय द बॉक्स इज 2000 जूल, रिजल्ट के एंड के एंड में रिजल्ट लिख लीजिएगा, द वर्क डन बाय द बॉक्स इज 1000 जूल, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके 8.6 हमने न्यूमेरिकल कर लिया सॉल्व, अब लास्ट के 2 न्यूमेरिकल्स रह गए हमारे पास, तो चलते हैं इसको कॉपी करें जल्दी से, रिजल्ट लिखें इसका, फिर हम चलते हैं 8.7 पे, ठीक है बेटे। आई होप बेटे आप लोगों ने 8.6 कॉपी कर लिया होगा, 8.7 पे आ जाते हैं। तो 8.7 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 केजी कार, ठीक है, ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है जिसका मास गिवन है 2000 केजी और वो ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो अब ये बता दें कि उस कार की काइनेटिक एनर्जी क्या है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल और आई होप ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक कार है जिसका मास 2000 केजी है
ठीक है भाई, और ये ट्रैवल कर रही है कितनी वेलोसिटी से? 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। मास इसका है 2000 kg। अब फाइंड करके बताएं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। आई होप न्यूमेरिकल की कंडीशन आप लोगों को बेटा समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके डाटा की तरफ। डाटा में मास गिवन है, वो लिख लेंगे पहले, 2000 kg। वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। लेकिन डाटा में मैंने इतना गैप क्यों दिया वेलोसिटी के बाद? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे यूनिट में नहीं है, 90 किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का ऐसे यूनिट नहीं होता। वेलोसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, अब वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है, लेके जाना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो ये पहले के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 में 4 में हम लोग ये कन्वर्जन सीख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो भी वेलोसिटी गिवन होती है किलोमीटर पर आवर में, उसको अगर मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो क्या करते हैं? उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है, और 3600 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर से किस में जाना है? मीटर से, मीटर में। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जब भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, और 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 16 × 60 3600, तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो भाई इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 90,000, और नीचे 3600 एज इट इज़। 90,000 को 3600 से हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे वेलोसिटी आ जाएगी कितनी बेटा? 25, और यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर आवर से किसमें बेटा? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अब हमारे पास कन्वर्ट होके आ गई ऐसा यूनिट में, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर से हमने किसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर पर सेकेंड में। कैसे करा? 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से डिवाइड किया। डाटा के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। लिख देंगे फॉर के ई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके? 1/2 mv2। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़। मास कितना है बेटा? 2000, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 25 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो 2 1s are 2 1s are, तो आपके पास 2000 को जब 2 से डिवाइड किया आंसर आ गया, ठीक है, 1000। तो जब 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1000। ठीक है, तो ये बच गया यहाँ पे 1000, 2000 को 2 से डिवाइड किया क्या बच गया? 1000, और ये 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 625। तो 625 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 625,000, और यूनिट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का बेटा? जूल। कार की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, जिसका मास कितना था? 2000 kg। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 625,000 जूल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का 8.8। ठीक है, और 8.8 ये जो न्यूमेरिकल है, ये 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन करवा के भी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम सिंपल इसको चैप्टर 3 और 4 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली हमें इसमें बस फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, बॉडी की। तो क्योंकि जो है हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसको हम चैप्टर 3 और 4 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लें 8.7 को, फिर हम चलते हैं 8.8 पे। और 8.7 को कॉपी आपने अगर कर लिया तो इसका एंड में रिजल्ट लिख लीजिएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार इज 625,000 जूल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार इज 625,000 जूल। ठीक है बेटे, रिजल्ट आप लोगों ने लिख लिया, इसको कॉपी कर लिया होगा आई होप। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
8.8 पे, 8.8 में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 न्यूटन गिवन है और फॉल थ्रू अ 10 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट से वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से ड्रॉप किया है जिसका एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसका वेट है 10 न्यूटन और वो कितने डिस्टेंस से 10 मीटर की हाइट से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। What is its velocity just before it strikes the ground? Assume there is no friction. ठीक है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट 10 न्यूटन है और 10 मीटर की हाइट से मूव करते हुए नीचे आ रहा है, तो कह रहा है कि what is its velocity just before it strike the ground? तो नीचे आते हुए जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करके बतानी है, ठीक है। आई होप न्यूमेरिकल की कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है भाई, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 8.8 की। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकली कंडीशन देख लें एक दफा। ठीक है, ग्राफ इस कैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सपोज कर लें कि 10 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे, ठीक है, हाइट है 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, सॉरी, और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, इसके सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसका जो वेट है वो वेट कितना है, 10 न्यूटन। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नीचे आ रहा है बेटा, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। ठीक है, ये कंडीशन पढ़ के आ चुके हैं। डाउनवर्ड मोशन जब भी होगा, जब भी बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया उसको हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी, और ये आपने वेलोसिटी फाइंड करके बतानी है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब उसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नीचे आ रहा है, वेट है 10 न्यूटन का, ठीक है, और जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो, तो बॉडी जो मूव करते हुए नीचे आ रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है बेटा, कॉन्स्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी नीचे आ रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी है यहाँ पे, 9.8, ठीक है बेटे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को न्यूमेरिकल की समझ में आ गई होगी, डायग्राम मैंने थोड़ी सी बना दी ताकि आप लोगों को कंडीशन समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं इसके डाटा और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ। डाटा बनाते हैं इसका कि भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाइट है 10 मीटर की, वेट है 10 न्यूटन का, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डाटा के बाद अब हम हिंट डाल देंगे सॉल्यूशन की। आई होप डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकली कंडीशन क्लियर हो चुकी होगी, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गई होगी, डाटा समझ में आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा, जो फाइंड करना लिखेंगे कि भाई फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखें डाटा देख रहे हैं आपके पास। ठीक है, वर्टिकल मोशन का डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जी, एच, वर्टिकल मोशन का डाटा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो है कंडीशन, ये इक्वेजन हम यहाँ पे थर्ड इक्वेजन यूज़ करेंगे वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग।
तो वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग आपको पता है एक्सलेशन जो है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड इक्वेजन वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग क्या पड़ी थी, 2gh इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है और vf जो है वो फाइंड करना है। ज़रा देखिएगा, 2 एज इट इज़, g की जगह बेटा 9.8 और हाइट जो है वो यहाँ पे कितनी है 10, इक्वल्स टू vf स्क्वायर एज इट इज़ फाइंड करना है, माइनस vi की जगह 0, vi की जगह 0, 0 का स्क्वायर। 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 19.6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 196। और यहाँ पे वी एफ स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 196 किसके बराबर है बेटा वी एफ स्क्वायर के। और करके इक्वेजन को पलट दें, जब 196 वी एफ स्क्वायर के बराबर है तो वी एफ स्क्वायर किसके बराबर होगा 196 के, ठीक है। तो आपने क्या करा, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से आंसर आ गया 196। राइट साइड पे वी एफ स्क्वायर बचा, माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 196 वी एफ स्क्वायर के बराबर है। इक्वेजन को पलट दिया कि वी एफ स्क्वायर बराबर है 196 के, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा बेटा क्या करेंगे कि वी एफ स्क्वायर अगर बराबर है 196 के, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो स्क्वायर हटाना है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए वी एफ की वैल्यू, वी एफ स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 196, दोनों साइड पे रूट आ जाएगा, मतलब वी एफ पे भी रूट आएगा, वी एफ के स्क्वायर पे भी और 196 पे भी, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, और कैलकुलेटर से 196 का ज़रा रूट लें और आंसर बताएं, 196 का रूट आ रहा है बेटा 14 और यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली, वो वेलोसिटी फाइंड कर ली जब बॉडी ग्राउंड पे आके बॉडी ने स्ट्राइक किया, तो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितनी थी 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब बॉडी ने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया था उस वक्त, तब वेलोसिटी उसकी कितनी थी बेटा 14 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद एंड में इसका रिजल्ट लिखिएगा, ठीक है। एंड में रिजल्ट लिख लेंगे, द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 14 मीटर पर सेकेंड, द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके न्यूमेरिकल आपने इसको कॉपी कर लिया, एंड में इसका रिजल्ट लिख लिया। अब यहाँ तक आके न्यूमेरिकल हो गए चैप्टर नंबर 8 के कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 8 हो गया यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है बेटे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कॉपी करें, रिजल्ट लिखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है न्यू चैप्टर से, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।